नील को बचा लूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, मैं नील को बचा लूंगी। यार दुल्हन कहाँ रह गई? बारात आने का टाइम हो गया और अरे ये क्या मैया क्या जाए? ये सब क्या है? प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हुआ रे? प्रिया उठो रे, ये मोमबत्तियां जलाकर काहे सोई हुई है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओ प्रिया, प्रिया नहीं, मैं नील को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं नील को नहीं मरने दूंगी। क्या क्या कहा तुमने? नील को मरने नहीं दूंगी? प्रिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आप लोग नहीं जानते, मेरे अंदर एक शक्ति है, मैं जो भी सपने में देखती हूँ वो सच हो जाता है। और जैसे मानो आने वाले कल से मुझे चेतावनी मिलती हो। और अभी मैंने सपने में देखा कि जोर से तूफान आया है, बिजलियां कड़क रही हैं और एक कमरे में नील को जोरों से बिजली का झटका लगता है। और उस हादसे में नील की मौत हो जाती है। कुछ भी हो हमें नील को बचाना होगा, नील को मरने से बचाना होगा। इंसान लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं का? बिजली मैं भी पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। प्रिया तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अरे सपने सच कैसे हो सकते हैं? और बाहर आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश बिजलियां तूफान आने का कोई चांस ही नहीं है। आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे सपने सच में सच होते। इससे पहले भी मैंने जो जो सपने देखे वो सब सच हुए। और मेरी मम्मी पापा को भी मेरी इस शक्ति के बारे में सब पता है, लेकिन कोई मुझे अपशगुनी ना समझे इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताते। लो बारात आ गई। ये दुल्हनिया, हम जाकर बारात का स्वागत करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता ना ही करो, कुछ ना ही होगा, ठीक है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। अरे प्रिया सपनों का कोई भरोसा थोड़ी ना होता है। मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग को मुझ पर यकीन हो? एक मिनट, मैंने एक और सपना देखा था कि घोड़े से गिरने की वजह से नील का पैर टूट जाता है। पता नहीं बार बार इन सपनों में मुझे नील पर आने वाले संकट के संकेत ही क्यों मिल रहे हैं। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर नील को घोड़े से गिरने की वजह से चोट आती है तो आप लोग को मेरी बात पर यकीन करना होगा कि मेरे सपने सच होते हैं। यार ये तो ऐसे डट के घोड़ी पर बैठा है जैसे बचपन से ही घुड़सवारी कर रहा हूँ, इसके गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। अरे पापा ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अरे यार इसको काबू में लाओ, कोई गिर जाऊंगा मैं। अरे विराट, अरे दूल्हा तू। अरे अरे बेटा कुछ नहीं होने दूंगा बेटा तुझे। अरे अरे इसको संभालो भाई, अरे इसको संभालो भाई। थैंक्स ब्रो यार। तुम ठीक हो? हाँ यार ये घोड़ी तो हॉस्पिटल पहुंचा देती यार। अरे बेटा तुझे लगी तो नहीं ना? अरे मम्मी ये बंदा आ गया यार, बचा लिया इन्होंने मुझे। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे घोड़ी वाले थोड़ा संभालो बेटा। अरे विराट ये तो तुम दूल्हे को बचा लिए, नहीं तो वो तो गिर ही जाता ना। इसका मतलब प्रिया जो सपना देख रही है वो सच हो रहा है। चल कोई बात नहीं नील, दिन की शुरुआत खराब हुई है लेकिन दिन बहुत अच्छा जाएगा। बी पॉजिटिव ब्रो। सोनू। हाँ भैया। सुन यार पसीने की वजह से ना मेकअप थोड़ा खराब हो गया है, इसको टचअप कर देना अच्छा सा। कोई बात नहीं, अभी फ्रेश मेकअप कर देता हूँ आपका। हाँ स्टीम देता हूँ आपको, स्टीम बढ़िया रहेगा। स्टीम मशीन तो भारी रह गई, अभी लेके आता हूँ। जा लेके आ जल्दी। इतने हेयर ड्रायर यूज कर लीजिए। हाँ हेयर ड्रायर यूज करता हूँ यार, बाल बहुत खराब हो गए। अचानक तूफान कैसे आ गया विराट? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बिजली, ये अचानक कैसे ये सब? हम खिड़की बंद करते हैं। देखा हाँ। मैंने कहा था ना तूफान आएगा, बिजलियां कड़केंगी, अब देख लिया। बिजली मेरी कही हुई बात सच हो रही है। नील कहाँ है? बिजली चल मेरे साथ। नील 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 बैठो रे। तुम ठीक हो नील? ठीक हो तुम? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इसका मतलब प्रिया का देखा हुआ सपना वाकई में सच हो रहा है। सपना? हाँ नील, प्रिया ने सपने में देखा था कि यहाँ तूफान आएगा और तुम्हें बिजली का करंट लगेगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं नहीं ये कोई बकवास नहीं है, प्रिया के पास शक्तियाँ हैं, तभी तो हमको पहले ही पता चल गया था कि तुमको झटका लगने वाला है। What nonsense! ये सब बात मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैं। नील तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सच में कह रही हूँ तुम्हारी। अरे यार बस आप लोग वेडिंग प्लानर हो ना, प्लीज जाकर वरमाला की तैयारी कीजिए नीचे। प्रिया मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। नील खतरा भी टला नहीं है, नील के जान को अब भी खतरा है। आगे क्या होने वाला है मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं अधूरा सपना पूरा देखने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मैं अभी आई। यार बिजली पंगा तो है, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि नील की जान को खतरा है। नील पे नजर रखनी होगी। अरे आंटी प्रिया कहाँ रह गई, बुलाइए उसे। बस बेटा आ रही है 2 मिनट। नील 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 खतरा भी टला नहीं है, तुम्हारी जान को अब भी खतरा है। मैंने दोबारा सपने में देखा कि तुम। कम ऑन प्रिया रिलैक्स, मैंने कहा मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन नील मैं सच कह रही हूँ। चुप हो जा प्रिया। नहीं मम्मी, ये नील की जिंदगी का सवाल है, मैं चुप नहीं रह सकती। हाँ मौसी, दुल्हनिया सही कह रही है, उनके सपने सही में सच होते हैं, ये बात की गारंटी तो हम लेते हैं। अब एक बार सुन तो लीजिए कि दुल्हनिया कहना क्या चाहती है। मैंने देखा कि बिजली चली गई है। यहाँ बाहर जो घर है उसके पिलर से नील लटका हुआ है। उसके गले में फांसी का फंदा है। मैं सच कह रही हूँ नील, तुम्हारी जान को खतरा है। देखो कुछ भी हो जाए तुम ऐसे हॉल से बाहर एक कदम भी बाहर मत रखना प्लीज। ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया? नील मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस लड़की के बारे में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कौन सी लड़की अपने ही शादी के दिन अपने पति के मरने के सपने देखती है? रिलैक्स मॉम रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो प्रिया, ये शादी के माहौल की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। देखो पिलर बाहर है ना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं अंदर ही रहूंगा, बाहर जाऊंगा ही नहीं। जब बाहर ही नहीं जाऊंगा तो ये सब कैसे होगा? रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। नील तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या। बस मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। वरमाला की रस्म पूरी करें। प्रिया माला पहनाओ। काम डाउन प्रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। लेकिन आप में से किसी को मेरी बात पर भरोसा ही नहीं था, अब देख लिया ना। सिर्फ ऐसा ही तूफान मैंने अपने सपने में देखा था। तुम्हारी जान को सच में खतरा है नील। जिस अनहोनी को मैं रोकना चाहती थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? ये लाइट को क्या हो गया? अभी ऐसे शुभ कार्यों में लाइट का चला जाना अब शकुन माना जाता है। हमको कुछ ठीक ना ही लग रहा है। तू घबरा मत, मैं हूँ ना। हाँ बहन जी कोई नहीं, अब भी सब ठीक हो जाना है। विराट जी बेटा जाके ना जनरेटर ऑन कर दे। जी आंटी। अरे सुन सुन सुन, मैं भी आता हूँ, चल। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? नंकू तू एक काम कर, तू इस वायर को अंदर के स्विच बोर्ड में लगा दे जा। क्या कर रहा है? तार नीचे से कहाँ लेके जा रहा है? अरे वो नहीं नहीं, वो नीचे से लेके नहीं जानी है तार। किसी का पैर अड़ जाना है और गिर जाना है बंदे ने। पहले इतने स्यापे हो रहे हैं नानकू, तू ना ये तार को तू तो कहीं ऊपर से ही लेके जा। वो देख पड़ी है ना सीढ़ी, हाँ। ले ले तार ऊपर से लेके जा। ठीक है ठीक है। ऐसे ऐसे सर नहीं लाना है, खबरदार, जो नीचे नहीं दिखनी चाहिए मुझे तार। ऊपर से लेके जा रही। कितनी तैयारियां की थी शादी के लिए, सब गड़बड़ हो रहा है। अब पता नहीं ये मुई लाइट भी कब आएगी। अब फिक्र ना करो बहन जी, अभी जनरेटर शुरू हो जाना है, बस फिर लाइट आ जानी है, हैं? फिक्र ना करो आप, ठीक है? नानकू जल्दी कर पुत्र, मैं ना जरा जी अभी आ। क्या हुआ? लोकेश्वर जी पकड़िए। हो गया क्या? अरे रुको ना, बस ऐसा नाजुक काम है, आराम से करना चाहिए। चलो सही है, अभी वायर किसी के पैर में नहीं आएगा। लोकेश्वर जी आप जाके विराट को बता दीजिए कि मैंने यहाँ पर वायर लगा दिया, ठीक है? हम नहीं जाएंगे। अरे अनहोनी किसी के साथ भी हो सकता है, हमको भी डर लगता है। छे क्या छे, कितना डरते हो यार। अरे हम नहीं जाएंगे, मैं बता के आता हूँ। मैंने उधर वायर लगा दिया है, तो यहाँ पर वायर लगा। एक मिनट, अबे इतना जोर से कोई चिल्लाता है क्या? ये तो वैसे भी डर लग रहा है, ऊपर से तू और डर आ रहा है। अरे पूरे हॉल में मैं वायर ऊपर से लगा के आ रहा हूँ। फैंसी आंटी ने बोला है कि वायर नीचे से नहीं जाना चाहिए, चलते फिरते किसी को लग जाएगा। वायर ऊपर से लेना पड़ेगा, वरना फैंसी आंटी तुझे ऊपर भेज देगी। अरे यार अब यहाँ ऊपर किधर वायर को अटकाऊं मैं? मुझे नहीं पता। क्या कर रहा है ननकू? तू ऊपर जा। फेंक फेंक जल्दी फेंक, पकड़। चलो भाई अब ये मुसीबत भी टल गई। अब हॉल में लाइट आ जाएगी और बिना किसी स्यापे की शादी भी हो जाएगी। अबे यार ये तो जनरेटर के व्हील पे अटक गया है यार, अब क्या करूं? अरे ननकू ये क्या यार? बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? नील बेटा तुम ठीक तो हो ना? चलो बेटा अंदर। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई पानी लेकर आइए प्लीज। अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मेरे सपने सच होते हैं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या? मुझे नहीं नील तुम ठीक नहीं हो, अभी पूरी रात बाकी है और तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है। देखो कुछ भी हो जाए प्लीज तुम मेरी बात को ऐसे कैजुअली मत लेना। आओ आओ संभाल के संभाल के। ये सब क्या हो रहा है? क्या करूं मैं इस लड़की का? कितना समझाता मैंने इसे। एक मिनट, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रिया के सपने में आगे क्या होता है, वरना नील की जान बच नहीं पाएगी। आई एम सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने वाली बात पर विश्वास नहीं किया। मौत अभी टली नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ आग लगने वाली है। और उस आग में नील। हाय रब्बा, मेरे हॉल में आग। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है फैंसी मौसी। इससे पहले वाला सपना भी का सच हुआ था। ये का मतलब ये सपना भी? ओ ना, बस हमें नहीं करवानी हमारे बेटे की शादी इस लड़की के साथ। कैसी अपशगुनी बातें कर रही है ये लड़की। इसकी बोली हुई बातें की वजह से आज मेरे बेटे की जान खतरे में है और न जाने क्या क्या देख ले ये आगे अपने सपने में। और ऐसा मनुष्य रिश्ता हमें नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये भी तो देखो ना, बेचारी बच्ची नील के बारे में कितनी फिक्र कर रही है। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। पर बहन जी मेरी बात तो सुनिए। चल बेटा नील, यहाँ नहीं रुकना आप। इससे पहले कि यहाँ पे आग लगे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं सारे, कभी आग लगा रहे हैं कभी कुछ। चल ना, अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली। चल। अरे बहन जी, अरे बहन जी सर एक मिनट रुको ना, मेरी बात तो सुनिए। अब आप क्यों रुके हैं यहाँ पे? चलो चल यहाँ से। अरे जब प्रिया को सपने आते हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? मम्मी बहस मत कर मेरे साथ, दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है वो। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। अरे नील बेटा संभालो। लगता है पैर फ्रैक्चर हो गया मम्मी। क्या लड़का है, कैसे गया? मेरा सारा लेके उठने की कोशिश कर। आजा। नहीं हो पा रहा है, फ्रैक्चर हो गया है भाई। फ्रांसी जी जरा एम्बुलेंस को बुलाइए। हाँ जी अब भी करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था मौत अभी टली नहीं है, मौत वापस लौट कर आएगी। और नील के पैर टूटने का संकेत भी मुझे पहले ही मिल चुका था, है ना विराट भैया? बिजली मैंने बताया था ना तुम्हें। चुप कर, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में और एक मनुष्य बात अपने मुंह से निकाली तो। वो एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया मैंने, पर क्या है ना तूफान की वजह से हाईवे पर भी बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं, तो कह रहे हैं ज्यादातर एम्बुलेंस उधर ही चली गई है। 1 घंटा लग जाएगा, तब तक हम नील बेटे को उधर कुर्सी पर बिठा देते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। मेरा सहारा ले। आओ मैं कुर्सी लगाती हूँ। आओ आ जाओ। सही कह रही है प्रिया, उसने सपने में देखा था कि नील का पैर टूटेगा। इसका मतलब किसी भी वक्त हॉल में आग लग सकती है। हमें इस हॉल से उस हर चीज को हटाना होगा जिससे आग लग सकती है। ठीक है कि नहीं है जय? और आग बुझाने का सारा सामान भी इकट्ठा करना होगा। चलो जल्दी। ए गुरु, इसको बोलता है 5000 रुपए पे पानी फेरना। हाँ यार वो तो है, लेकिन ठीक है ना यार, कम से कम ये भिगाने से, बॉम्ब फटने से तो बच जाएगा ना, आग लगने से बच जाएगी। हाँ भिगा 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 भिगो। बराबर भी। बस चलो सरस। बस भाई 3 बाल्टी पानी पी लिया, अब और नहीं पी सकता। अरे नहीं भाई, और 2-3 बाल्टी पड़ी है, तुझे पानी पीना पड़ेगा। आज कोई भी हालत है तेरे मुंह से आग नहीं निकलनी चाहिए। हाँ मैं लेकर आता हूँ, रुक। ब्रो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हॉल में आग लगने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है भाई, तेरी बात पे ना विश्वास करने का मन तो करता है, लेकिन सच बोलूं तो अब मुझे भी डर लग रहा है। क्या पता मेरी मौत जल के मरने से ना हो। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते। प्रिया तुम हमारे साथ चलो। हम अभय आए, हम दिखाएं तुमको बाथरूम कहाँ है। आओ बिजली, बिजली कहाँ लेके जा रही हो मुझे? ए रे दुल्हनिया, हमका एक बात बताओ, का तुमने सच में नील को आग में जलते हुए देखा था? अब हमरा मतलब है वो आदमी नील ही था जो आग में जल रहा था? हाँ तुमने चेहरा ठीक से देखा था का? लेकिन तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो बिजली? क्योंकि तुमने जो सपना देखा था ना, वो मैं तो आग के पीछे वो आदमी खड़ा था, पर नील का तो टांग टूटा हुआ है, वो कैसे खड़ा हो सकता है? तुमको पूरा भरोसा है कि वो नील ही था? आग की वजह से चेहरा इतना ठीक से दिखाई तो नहीं दिया। ई की मैया के जय, अरे वो आदमी नील ना ही था, किसी और की जान को खतरा है। प्रिया तुम एक काम करो, तुम हमरे लिए एक और बार वो सपना देख सकती हो का? हो सकता है तुमको वो आदमी का चेहरा नजर आ जाए। बिजली देख तो सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? ओरे दुल्हनिया, अब अपना आंखें बंद करो और देखने का कोशिश करो। हमरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था जो आग में जल रहा था। ये देख कितना बड़ा रॉकेट है। ये मेरे को देना रे। दूंगा पर अनार देना होगा। चल ठीक है, ये ले। अरे यार, लेकिन माचिस अबे है रे अपने पास। अरे ये पकड़, थोड़ा पीछे। जला जा। नील संभालो अपने आप को। नील आग से बच के। नील खुद को संभालो। नील तुम नील तो नहीं? विराट भैया आग से संभालिए। विराट भैया, विराट। हाँ विराट भैया आप तो ठीक है। तो वो कौन है? विराट, विराट। दूर दूर आग की बात सच हो गई। कोई फायर ब्रिगेड, आग लग गई। विराट पिछले सब लोग। अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो यार, क्या कर रहे हो? विराट शांति मौसी, विराट का है। विराट अरे 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 पागल हो गई क्या? क्या हो गया इसको? कोई नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जी। मैं समझ रही हूँ वो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ जानी है फायर ब्रिगेड, आ जानी है। विराट, विराट। यार ननकू, ये फायर ऐसे क्यों काम ही नहीं कर रहा? तो कुछ काम का ही नहीं है यार ननकू ये। अरे कुछ तो कर। काम नहीं कर रहा, क्या करूं मैं? तो नील की ना विराट भैया की जान का बिजली के खतरे में। नंकू, हाँ। एक आइडिया है। क्या कर रहा है? पीछे हट, पीछे हट। संभालो जाइए, आराम आइए, आइए आराम से, आराम जल्दी आइए, आ जाइए सब लोग, आइए बाहर आइए। मुझे बढ़िया आग लगी, यहाँ पे कैसे पहुंच गई? मतलब पानी भी नहीं है और वो फायर ब्रिगेड वाले। अरे अरे वही फांसी आंटी, मैं भी सोच रहा था कि आग बुझी कैसे। अरे आप बहुत थोड़ी, आप चलिए, हम संभाल लेंगे, आप चलिए। अभी भी बहुत, आप आइए, बाहर आइए सब लोग, आइए आइए, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। वो बिजली की जान खतरे में। क्या विराट, विराट तुम बिजली की जान खतरे में? अंदर आग में फंसी, अंदर मोटी वो अंदर है। हाँ। अरे तो आखिरी था ना अपने पास, और बिजली की जान कैसे बचाएंगे? बिजली मोटी वाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा नानकू, लेकिन बिजली को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। को खोल दे अपनी ताकत का ढक्कन और जोर से धकेल इस ड्रम को अंदर। चल, टेंशन मत ले विराट, ये तो मेरे दाएं लात का काम है। संभालो 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 आप। विराट, विराट कहाँ तुम? बिजली 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 विराट, विराट बिजली घबराबाद में हूं ना। बिजली पीछे हट। बिजली विराट तुम ठीक हो? बिजली, बिजली इस ड्रम के अंदर जा और घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ चल अच्छा आराम से, आराम से। विराट क्या हो गया मेरे बच्चों को? आजा आजा नंकू, निकालो 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 बिजली को। आजा पुत्र बाहर आजा। ओ ठीक तो हो ना तुम दोनों? तुम ठीक हो? ए मोटी बहू तू ठीक है ना? ठीक है भाई है? हाँ रे नंकू हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर विराट सही समय पर नहीं आता ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। थैंक यू विराट हमारी जान बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़ी बड़ी शादियों में ऐसी छोटी मोटी आग लगती रहती है और तुझे हर आग से बचाने के लिए मैं हूं ना। प्रिया की मैया की जय। अगर आज तुम सही समय पर सपना ना ही देखती तो हमारा तो सारा सिस्टम ही जल जाता। थैंक यू रे, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। अरे बिजली सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है प्रिया का शुक्रिया कैसे अदा करना है। अंकल आंटी मैं मानता हूं प्रिया ने सपने में नील को मरते हुए देखा है। हम समझ सकते हैं किसी माँ बाप के लिए सुनना आसान नहीं होता, लेकिन आंटी आखिर में नील की जान बच तो गई ना। और सिर्फ नील की ही नहीं, आज प्रिया की शक्ति की वजह से हम बिजली की जान भी बचा पाए। और शक्ति तो ऊपर वाले की देन होती है ना। इसलिए अंकल आंटी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज इस शादी से मना मत कीजिए। प्रिया नील की बहुत चिंता करती है, वो नील को हमेशा खुश रखेगी। प्लीज मैं एक की शर्त पे ये शादी मंजूर करूंगा। प्रिया बेटा तुम कभी ऐसा भी सपना देख लिया करो कि हमारे घर पे पैसों की बारिश हो रही है। लो जी पाजी। ओ थैंक यू भाई साहब, आज के लिए ना सपने बस हो गए, अब और सपने नहीं देखो आप। मैंने लेकिन एक सपना देखा है, ये शादी की रस्में जल्दी जल्दी पूरी हो जाए ताकि बोतल के ढक्कन खुल सके, गाना बचाना खाना हो जाए। हैं भाई ठीक बोल रही हूँ कि नहीं मैं? घबराइए मत, मैंने अभी कोई सपना नहीं देखा।